हेलो दोस्तों, YouTube की तरफ से बहुत ही बिग बिग अपडेट आई है। पांच कौन सी अपडेट आई है? YouTube की बिग बिग अपडेट 2023 में जो लागू होने वाली है ना, उसके हवाले से अपडेट आई है। ऑफिशियल जो वाइस प्रेसिडेंट है YouTube के, उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंटरव्यू का, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने लिंक दिया है, मैंने उनकी वीडियो देखी, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल यूट्यूब वालों के जो वाइस प्रेजिडेंट है। ठीक है जी, अब क्या पाँच अपडेट है उसके बारे में बात करने लगे हैं। पहली अपडेट है YPP, वो कह रहे हैं कि जो YPP अपडेट है वो हम शायद वाली बात है कि जनवरी में ना करें, वो जनवरी में भी हो सकती है, उन्होंने मार्च तक कहा है, कंफर्म नहीं है। शायद वाली बात है कि वो जनवरी में भी हो सकती है, फरवरी में भी हो सकती है, या मार्च, इन तीनों के दरमियान। वो कहते हैं अभी कंफर्म नहीं बताते कि इसी 2023 के पहले हफ्ते से यानी कि शुरू करेंगे, लेकिन वो ये कन्फर्म नहीं कह रहे। उनके कहने का मतलब है कि जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, पाँच जगह पर ये काम हो सकता है। इस तरह से जी जो कह रहे थे ना कि हमारा चैनल लॉन्ग वीडियो बनाए तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो उनके लिए मैं एक बात बताने लगा हूँ कि खुद उन्होंने कहा है कि अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं और साथ ही शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको 4000 घंटे की ज़रूरत नहीं है। अगर उसी में से ही तो शॉर्ट वायरल होकर 10 मिलियन व्यू ले लेगी तो आपका चैनल क्या होगा जी, मोनेटाइज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कुछ लोग कहते थे ना कि अगर लॉन्ग वीडियो पे 4000 घंटा पूरा नहीं करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अब 4000 घंटा चाहे हो या ना हो, आपने अगर लॉन्ग के साथ साथ उसी वीडियो चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करते हैं या उन सबको मिला के आपने 10 मिलियन व्यू ले लिए हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 4000 घंटे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट है जी, जो कह रहे हैं जी पहले से मौजूद है, जिनके चैनल पे 10 मिलियन व्यू हो चुके हैं, क्या जी पहले से मौजूद है, 10 मिलियन व्यू हो चुके हैं, जब ये शुरू होगा तो हमारा चैनल क्या मोनेटाइज में ऐड हो जाएगा? तो उनके लिए बता दूं, उनका चैनल ऐड नहीं होगा, उनका चैनल ऐड होगा जिन्होंने शॉर्ट फंड लिया हुआ है। यानी कि जिन्होंने पहले शॉर्ट फंड ले चुके हैं ना, उनके चैनल पर अगर 10 मिलियन व्यू हो चुके हैं तो वो चैनल 2023 में ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी, कॉपीराइट, कॉपीराइट म्यूज़िक क्या है, किस चीज़ का जी? कॉपीराइट म्यूज़िक जो है ना उस पर है। अब कॉपीराइट म्यूज़िक जैसे हम पहले यूज़ करते थे, YouTube वाले हमें 55% दे रहे हैं और हमारे चैनल पे खुद वो YouTube 45% रख रहा है। जब हम कोई म्यूज़िक यूज़ करते थे ना, वो सारा का सारा रेवेन्यू क्या करते थे, म्यूज़िक वाले के पास चले जाते थे, यानी कि 55% मुकम्मल यूट्यूब वालों के पास चला जाता था। लेकिन अब क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि जब वो चैनल मोनिटर, हम किसी का भी म्यूज़िक यूज़ करेंगे, पहले तो हम उससे लाइसेंस लेंगे। जो लाइसेंस वाला होगा ना, उसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। उसमें $100 भी हो सकता है, $500 भी हो सकता है, $1000 भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। यानी कि जो पुराने हों सॉन्ग शायद वो फ्री कर दें, जो नया नया अपडेट अभी न्यू सॉन्ग रिलीज़ हो और हम वो यूज़ करें, उसमें क्या होगा जी, आपको पैसे देने पड़ेंगे लाइसेंस बाय करने के लिए। एक और तरीका था जी, रेवेन्यू शेयर करने का। क्या जी? रेवेन्यू शेयर करने का भी अपडेट है नहीं। यानी कि अगर हमें YouTube अपनी तरह जो हमें 55% देता है, अगर हम उसमें म्यूज़िक यूज़ करेंगे, क्या करेंगे जी, म्यूज़िक यूज़ करेंगे, उसमें जो 27% होगा वो म्यूज़िक के पास चला जाएगा, 27% हमारे पास रहेगा। यानी कि उन 55 में से आधा फीसद आप समझ लेंगे 27 के करीब करीब बनता है। यानी कि जब हम म्यूज़िक यूज़ करेंगे ना, ये 2023 की अपडेट में है कि उसमें से 55% हमें मिलता है, तो आधा परसेंट जो म्यूज़िक यूज़ करेंगे म्यूज़िक वाले के पास जाएगा, उससे जो आधा मिलेगा वो हमारे पास आएगा। ये YouTube कॉपीराइट म्यूज़िक के हिसाब से है। आखिरी और पांचवी अपडेट जो मैं आपको बताने लगा हूँ, YouTube शॉर्ट पे वॉइस ओवर का नया टूल आने वाला है। क्या जी? वॉइस ओवर पे नया टूल। आपकी वीडियो बनाओगे ना तो उस पर आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। एक ये होगी अपडेट, दूसरी अपडेट होगी कि उसमें आप ग्रीन स्क्रीन भी यूज, उसमें ग्रीन स्क्रीन भी होगी, वॉइस ओवर भी है, ग्रीन स्क्रीन भी है। अभी ग्रीन स्क्रीन उन्होंने चेक कर रहे हैं आईफोन वाले मोबाइलों में, अभी उन्होंने एंड्रॉयड में अपडेट नहीं की। 2023 में आपको ये भी अपडेट मिल जाएगी कि यूट्यूब शॉर्ट में, किस चीज़ में, लॉन्ग में नहीं, यूट्यूब शॉर्ट में वॉइस ओवर भी कर सकते हैं और ग्रीन स्क्रीन भी आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ बेल आइकन के घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।